मोहगंज जिले की नईगढ़ी थाना पुलिस का नया कारनामा सामने आया है। पीड़ित फरियादी शंकर प्रसाद पटेल उम्र 67 वर्ष निवासी वार्ड क्रमांक 6 कस्बा नईगढ़ी द्वारा पुलिस कप्तान मोहगंज के समक्ष आवेदन देकर न्याय की गुहार लगाई गई है। पीड़ित ने पुलिस अधीक्षक को दिए गए शिकायत पत्र में कहा कि आरोपी द्वारा मेरे साथ मारपीट की जा रही थी। इस दौरान बीच बचाव करने पहुंचे सच्चे लाल पटेल के साथ भी आरोपी द्वारा मारपीट की गई। पीड़ित जब सच्चे लाल पटेल के साथ नईगढ़ी थाना पहुंचकर शिकायत दर्ज कराया तो नईगढ़ी थाना पुलिस द्वारा आरोपियों को आश्रय देते हुए पीड़ित के ऊपर ही धारा 151 की कार्रवाई कर दी गई। उधर पीड़ित के आवेदन पर पुलिस द्वारा आज तक कोई कार्रवाई नहीं की गई। पीड़ित शंकर प्रसाद पटेल द्वारा पुलिस कप्तान मोहगंज से आग्रह किया गया है कि मेरे जान माल की सुरक्षा करते हुए आरोपी पर वैधानिक कार्रवाई की जाए। पुलिस अधीक्षक कार्यालय का हमारा जो मामला है तो होली के दिन भाग कार्यक्रम था और हमारे पिताजी सच्चे लाल पटेल जी के घर पर भाग कार्यक्रम चल रहा था तो वहाँ पर गए थे। जब भाग कार्यक्रम समाप्त हुआ उसके उपरांत रामलाल पटेल निवासी देवगना वार्ड क्रमांक 6 नईगढ़ी के उन्होंने आए गाली गलौज करने लगे, धक्का मुक्की किए, मारपीट। जब बीच बचाव करने सच्चे लाल पटेल जी आए इसके बाद फिर नईगढ़ी थाना आए हम लोग तो एक पक्ष के ऊपर जो आरोपी पक्ष था उसके ऊपर कार्रवाई नहीं की गई और एक पक्ष के ऊपर 151 का मामला दर्ज कर नईगढ़ी पुलिस थाना में, इसलिए मैंने पुलिस अधीक्षक महोदय के पास गुहार लगाई कि जो हमारे ऊपर हमला कर रहे हैं बार बार, ये जो रंजिशें कर रहे हैं मारपीट की, धमकी देते हैं, गाली गलौज करते हैं, ये पुराना भी मामला है हमारा उनके साथ, रास्ता रोकते हैं, नहीं जाने देते हैं, तो इसके चलते हमने गुहार लगाई है कि न्याय उचित होना चाहिए। ऐसा नहीं है कि पुलिस थाना नईगढ़ी में ले देकर मामला सलटा देते हैं और जो आरोपी होते हैं उसको बरी कर देते हैं, उनके हौसले बुलंद हो जाते हैं, इसलिए उचित कार्रवाई करने के लिए हमने पुलिस अधीक्षक महोदय से गुहार लगाई है कि हमारे ऊपर जो हमले हो रहे हैं बार बार, इससे हमारा बचाव किया जाए, हमारे परिवार का बचाव किया जाए।